ये जगह अच्छी लगी, ये जगह अच्छी लगी क्यों? बस वैसे ही। क्या लड़कियां? हाँ रौनक ज्यादा है। दिल देता है रो रो दवाया, किसी से कोई प्यार ना करे ते सजना वाज रावण लगदा, अग सिने विच बल दे पावे सोवे अकीम मंगावा, नहीं कोई बूटी चल दे। दो पत्तर अनार दे, दो पत्तर अनार दे, सड़ी गई जिंदड़ी चना लगे तेरे अंगारा दे। कभी इश्क हुआ है? इश्क, इश्क तो बहुत हो गया है। ये ना कहना रोज होता है। हो गया। कहाँ साढ़े को भी पैसा होंदा, साढ़े भी यार वफादार होंदे, कहाँ साढ़े को भी गड्डी होंदी, साढ़े भी यार वफादार होंदे। ऐसे दो लाइन तो एक शेर है कि जा गुरबत तेरी सहन को यम, मेरा लखां दे यार रुंजाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रशीद। रशीद क्या करते हैं आप? वह घूमन घूमन वास्ते आया था। कहाँ पे घूमने के लिए? बस लोर बच्चा समान शमान देने। तो कहाँ से आए? आज़ाद कश्मीर। तो आज़ाद कश्मीर से लाहौर में घूमने के लिए आए हैं। तो लाहौर में कौन सी जगह है जो अच्छी लगी? बहुत सारा कुछ अच्छी लगी है। फिर भी कौन सी अच्छा लगी? ये जगह अच्छी लगी। ये जगह अच्छी लगी क्यों? बस वैसे ही। क्या लड़की है? हाँ रौनक ज़्यादा है। ये आपके फेस पर जो है ये क्या है? ये गर्मी से बताती है निकल गया था। आप तो इतने ठंडे इलाके से आए। हो बस जा रहे हैं, कल परसों जा रहे हैं। सही हो गया। और मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ ये आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी इसलिए वापस जाना पड़ा इनको। तो आप भी कश्मीर से? नहीं मैं कश्मीर से ही हूँ, लेकिन इधर ही जॉब करता हूँ। मेरे पास ही आए थे ये लाहौर में जॉब। जी मैं लाहौर में जॉब। तो ये आपके पास आए हैं घूमने? जी घूमने के लिए। आपने इनको फिर लाहौर घुमाया? बाकी बहुत सारी जगहों पर घुमाया, मैं क्या एक बार मॉल का चक्कर भी लगा लूँ इनके। तो क्या सुना सकते हैं आप? कोई ना कोई आ जाएगा। सुना क्या सकते हैं? दिल देता है रो रो दवाया, किसी से कोई प्यार ना करे ते सजना वाज रावण लगदा, अग सिने विच बल दे पावे सोवे अकीम मंगावा, नहीं कोई बूटी चल दे ते आ सजना लल गल करिए, कल सरगी टुर जाना दाना पानी आते अल्लाह दे, किस मरना किस जीना। दो पत्तर अनार दे, दो पत्तर अनार दे, सड़ी गई जिंदड़ी चना लगे तेरे अंगारा दे। चिट्टी बस उत्ते बह जाते हो, चिट्टी बस उत्ते बह जाते हो, ते अखियां रोने अरे कोई देखे कौन देखे दिल रोने। बस बस यहाँ तक याद किया हुआ था और याद? हाँ क्या कह रहे हैं? वह बुढ़ा अभी सांस चढ़ जाता। अच्छा हाँ एज काफ़ी हो गई अब सांस चढ़ जाता। आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा। कितने बच्चे? बच्चे सारे। आप भी? तीन चार आ रहे हैं गए बस। तीन चार बच्चे है घर का? तीन चार बच्चे। आप अपनी वाइफ को नहीं लेके आए घुमाने के लिए? बस उन्होंने फिर ले आवागा का। फिर ले कर आएंगे? हाँ अभी कह रहे हैं मैं खुद चक्कर लगा लूँ, एक बार लोर देख लूँ, फिर चलो अगले चक्कर को उसके भी साथ ले आऊँगा। तो और आपके जो कश्मीर की क्या खासियत है? बस कुछ नहीं, बस खैर खैये दी है। आपको अपना कश्मीर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे ऐसी रौनकें होती हैं? बहुत रौनकें होती हैं। नहीं ऐसी रौनकें होती हैं वहाँ? होते ही बहुत होती हैं। क्या होती है आजकल के ये इस सीज़न में? गर्मियों के सीज़न में सयाह बहुत जाते हैं उधर भी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा व्यू है और उधर मौसम बहुत अच्छा है, नेचुरल पानी है, हर चीज़ कुदरत की है। तो बाकी और फिर क्या करते हैं आप? बस कोई नहीं घूमना शूमना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा क्या करते हैं आप? मैं अभी पीछे मैट्रिक के पेपर दिए थे, रिजल्ट आ गया और अभी स्टडी स्टॉप कर दी और दूध दही की शॉप अपनी।
स्टडी स्टॉप कर दिया, इसका मतलब रिजल्ट ठीक नहीं आया? रिजल्ट अच्छा आया। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट तकरीबन पास, 800 से ऊपर। 800 से ऊपर अच्छे नंबर आए, फिर आगे एडमिशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आगे काम करना है। क्या काम करना है? काम मेरी दूध की शॉप है, बताया तो है। ज्वेलरी की? गोल्ड की? दूध दही की। दूध दही? मिल्क शॉप। अच्छा, मिल्क शॉप है। लोग हम खाने पीने वाले लोग हैं। वैसे आपकी सेहत देख के तो नहीं लग रहा कि आप खाने पीने वाले लोग हैं। गर्मी देख रहे हैं ना, गर्मी से तो सबकी सेहत जोन हो, पर इसमें इनमें से मुझे कोई भी दिखा दे जो मोटा हो, हेल्थी हो। सारे गर्मी से सेहत किसकी डाउन हो जाती है? सबकी। सुंगड़े हुए सारे तीली की तरह। आप क्या गुजर है? नहीं, हम रहमानी हैं। क्या है? रहमानी। अच्छा, रहमानी है। कंधे पंच कमियार। तो आपने अपनी दूध दही वाली शॉप कर ली जी, स्टडी छोड़ दिया। वैसे मेरा ख्याल है कि पढ़ लेना चाहिए था। पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लिख के भी क्या करना है? लड़कों को हमेशा काम करना होता है, लड़कों को हमेशा ही काम करना होता है। उन्होंने आज भी करना है, कल भी करना है। इससे का अगर मैं अभी 2 साल जो स्टडी पे करने हैं वेस्ट के समझ लिया, अगर मैं वो भी कारोबार पे करूँगा तो मुझे अच्छा सा ज़रा आगे जाकर मुझे समझ आ जाएगी कि कैसे काम करना है। आपको क्या लगता है, पढ़ लिख के लोग अपनी पढ़ाई ज़ाया करते हैं? मोस्टली चुंगी पे, हम चुंगी से आए हैं, ठीक है। लाहौर में 98% लड़के जो आते हैं वो जॉब के पीछे पीछे धक्के खाते, लड़कियों को मिल जाती, लड़कों को मिलती नहीं। अगर अच्छी पढ़ाई कर ली जाए तो जॉब भी अच्छी मिल जाती है? अच्छी मिल जाती है। कहते हैं कि स्टडी होनी चाहिए, ठीक है, स्टडी होनी चाहिए, वो आपकी बात अच्छी है, लेकिन जो जॉब वगैरह ना वो किस्मत का खेल है। मेरा ये ओपिनियन है कि आजकल के दौर में एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो जॉब है ना वो किस्मत की बात है। आप पढ़ लिख कर बिज़नेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बिज़नेस ही है। ये तो बिज़नेस है, ये साइड बिज़नेस। स्टार्टिंग में लो लेवल पे है, स्टार्टिंग में लो लेवल पे है, ठीक है। इसमें एक माह का 75,000 रुपये इस टाइम मैं कमा रहा हूँ। आगे जब हाई होगा तो फिर आगे उसको जो साहब लगा ले। बिज़नेस में है या नौकरी में है, जॉब में इतनी बरकत नहीं है, ठीक है। अपने बिज़नेस में पैसा ही पैसा है, अप्स एंड डाउन, लॉस वो होता रहता है, होता रहता है वो तो। क्या सोच कर आपने ये वाला बिज़नेस शुरू किया? क्योंकि ये पहले ना मेरे वाले साहब करते थे, ठीक है, फिर उन्होंने छोड़ दिया। हम करते रहे हैं घर में, घर के साथ ही शॉप वगैरह डाल गई थी, तो कोई मैं बैठ गया, छोटा भाई बैठ गया, अबू बैठ गया, तो वो फिर फैक्ट्री जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको संभाल लिया खुद अपना। कभी इश्क हुआ है? इश्क? इश्क तो बहुत हो गया है। ये ना कहना रोज होता है। हो गया हो गया हो गया। कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ इश्क? कहाँ छोड़ गया है? मैं छोड़ गया। कहाँ पे छोड़? हाथ नहीं लेके आते ऐसे, ये इतने लोग हैं नज़र लगा देंगे, मैं भी कहाँ पे जाऊँगा? आपको भी तो नज़र लग जाएगी। खैर है, मेरी खैर, इसकी इसको नहीं लगाने देनी। फैमिली में? आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली जी। तो शादी भी उसी से करने का इरादा है इंशाल्लाह। क्या मैसेज है उनके लिए? मैसेज यही है कि बस अगर मैं तुम्हारा हूँ ना तो तुमसे ही करूँगा, ठीक है। अगर कोई शक वगैरह है तो वो दूर कर दो, ठीक है। उसने भी वो भी मेरी और मैं भी उसका हूँ बस। कितना अपनी बंदी के साथ लॉयल हो? 100%। और वो? 100%। क्या सुना सकते हैं? सुना तो एक शेर है, अगर कहेंगी तो। हाँ जी सुनाए। डिफरेंट है, दोस्तों के लिए है, ठीक है, दोस्तों के लिए है। कि कहते हैं कि काश हमारे पास भी पैसा होता, हम साढ़े भी पंजाबी में है, काश साढ़े को भी पैसा होता, साढ़े भी यार वफादार होंगे, काश साढ़े को भी गड्डी होंगी, साढ़े भी यार वफादार होंगे। ऐसे दो लाइन तो एक शेर है कि जा गुरबत तेरी सहन को यम मेरा लखा दे यार रंजाई। कभी किसी दोस्त ने दिल तोड़ा? दोस्तों के साथ होता है कि आजकल की जो दोस्ती है ना वो पैसे की होती है, ठीक है। पैसों के साथ जो दोस्त है वो कंप्रोमाइज़ करता है, साथ साथ होता है। पैसे जिसके पास हो उसको पता है इसको, इसके पास फेम है, इसके साथ चलना, ठीक है। अगर वो कहते हैं ना कि एक और शेर था, वो कह रहा था कि अब टाइम ये है कि उन लोगों को छोड़ना है कि जिनको अभी तक यही लगता है कि मैं हम उनके ताल्लुक के मोहताज हैं, ठीक है। अब ये बात नहीं, हर किसी का कोई ताल्लुक का मोहताज नहीं होता। अगर वो दोस्त के साथ बैठ जाता है तो वो उसकी भाई वाली बात होती है, ठीक है। अक्सर लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये हमसे फेम हासिल कर लिया, हमारे साथ बैठ रहे हैं, किसको हमारे साथ देखेंगे और ये सलाम करेगा, ये उसके साथ बैठा, ये उसके साथ बैठा, तो ऐसे नहीं होता। दोस्तों से धोखेबाजी में आके आपने अपना बिजनेस तो नहीं शुरू कर लिया कि पैसा कमाना है? पैसा कमाना है, ये पढ़ाई छोड़ गया है, पढ़ाई छोड़ देनी है, पैसा कमाना, सिर्फ पैसा। आजकल के दौर में ना पैसा चीज़ है, स्टडी को पीछे रख देते हैं। अब आप जॉब करनी है ना, जॉब मैं कर सकता हूँ, मगर पैसा लगाऊंगा मैं जॉब कर सकता हूँ। मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था, एक पुलिस वाला मुझे मिला, उसने मुझे कहा, मैंने कहा सर आपकी क्या स्टडी है? उसने कहा यार भरा ली गल दसा, किले वेच के तो लगे हैं। क्या? उसने बोला किले वेच के लगे हैं। उसका क्या मतलब? स्टडी नहीं है, पैसे बढ़ पैसे लगा उसने जॉब कर रहा है। आगे से खुद ही देख लें, पैसे ही जो भी इस दुनिया में चीज़ है पैसा ही। अब चाहे वो प्यार हो या दोस्ती हो? नहीं, प्यार है पैसे का, लेकिन मेरा नहीं। आपका नहीं है? नहीं है, क्योंकि ने आपसे प्यार किया तो आप क्या करते थे? मैं तब 9th क्लास में था।
नाइन्थ क्लास में। मेरे भी स्टडी को तकरीबन मेरे जो रिलेशनशिप है ना उसको भी तीन साढ़े तीन साल हो गए। अभी तक कायम है? अभी तक कायम है, चल रहा है आगे, चल रहा है, चलेगा इंशाल्लाह, एंड लेवल तक जाएगा, एंड लेवल तक जाएगा। लड़के को आने वाले तीन सालों में अगर हम मिले ना तो वो मेरे साथ खड़ी होगी, हम इंटरव्यू लेंगे फिर। चलें ठीक है जी, जब ये शादी करेंगे तो उसको साथ लेकर आएंगे। साथ लेके आएंगे, फिर आपने भी आना ना फिर ऐसे आपका इंटरव्यू लेने। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।